सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 1 के एंडिंग सीन के बारे में। तो यार, वो जो एंडिंग सीन था वो बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करता है माइंड में कि क्या इंसानियत हार गई और क्या वार मारिया पाने में जो है वो सर्वे क्रॉप्स नाकाम हो गए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर वो एंडिंग सीन में हुआ क्या था और लिवाय और जो मिकासा है और जो एरन है वो यार इतने टेंशन में क्यों थे और लिवाय के सिर से इतना खून भी क्यों बह रहा था। जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स थी वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, बिना किसी देर के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो एंडिंग सीन है वो चालू होता है बहुत सारी पिक्चर से जो कि बहुत तेज़ी से फ्लैश होते हैं। सो गाइस, हम पहले तो यार ये जो पूरा पिक्चर्स है उनको एक एक करके देखेंगे और उनमें डिटेल्स खोजेंगे। सो गाइस, सबसे पहली जो पिक्चर है वो हम लोग को देखने मिलती है एक इंसान की जो कि बहुत बुरी तरीके से जल चुका है। और यार ये जो इंसान है वो कोई और नहीं, ये है आर्मिन। जी हाँ भाई, ये आर्मिन ही है। अब ये कैसे हुआ मैं आपको आगे जाके बता दूंगा क्योंकि यार आगे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। और फिर हम चलते हैं सेकेंड पिक्चर की तरफ। तो यार जो सेकेंड पिक्चर है वो हम लोग को देखने मिलती है एक लड़की की। तो यार ये है डीना येगर, इरन के फादर की ये पहली वाइफ थी यार। और ये जो पिक्चर है वो मेरे हिसाब से बेसमेंट की हो सकती है। अब ये सी मेरी एक थ्योरी है यार कि बेसमेंट में हो सकती है ये पिक्चर, क्योंकि यार बैकग्राउंड से देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर बहुत ज़्यादा पुरानी है। और जब इरन लोग वार मारिया के पास जाएंगे और उसके बाद जब बेसमेंट में जाएंगे तो यार ऐसा हो सकता है कि ये जो पिक्चर है वो उन लोग को वहाँ देखने मिले। खैर जो भी है, अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस, अगली जो पिक्चर है वो हम लोग को देखने मिलती है एक जूते की जो कि गिरा पड़ा हुआ है और इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अब यार मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मेरे हिसाब से ये हो सकता है आर्मिन, इरन या फिर मिकासा में से किसी एक का जूता। खैर जो भी है यार, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगली पिक्चर की तरफ हम लोग चलते हैं। सो गाइस, अगली पिक्चर जो है वो हम लोग को देखने मिलती है इरन के बेसमेंट की चाबी। और ये चाबी बहुत ज़्यादा मेन है यार, पर असल में बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओरिजिनल इरन के बेसमेंट की चाबी नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, जब तुम आगे जाओगे तो खुद पता चल जाएगा। अगली पिक्चर हम लोग को देखने मिलती है कुछ आँखें की, जिसमें से एक आँख से रेजर निकल रही है और एक आँख नॉर्मल है। अब यार ये जो आँख है वो मेरे हिसाब से हो सकती है जेके येगर की, जो कि इरन का हाफ ब्रदर है और यही बीस टाइटन भी है। सो गाइस, अब हम चलते हैं आगे। अगली जो पिक्चर है वो हम लोग को देखने मिलती है एक सोल्जर के सूट की। अब ये जो सूट है वो एकदम नया लग रहा है। अब ये किसका है वो तो मेरे को नहीं पता यार, पर जो भी है आगे चलते हैं। अगली पिक्चर हम लोग को देखने मिलती है कुछ टाइटन्स की, और देख सकते हैं हम ये जो टाइटन्स हैं वो किसी को खा रहे हैं। और अगली पिक्चर हम लोग को देखने मिलती है फिर से एक टाइटन की, और ये जो टाइटन है ये जो है वो इरन की मदर को खा रहा है और ये सीज़न 1 से लिया गया है सीन को। अगली पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि जो डीना की पिक्चर थी डीना येगर की वो अब जल चुकी है। सो गाइस, ये कैसे हुआ वो तो मेरे को नहीं पता, पर जो भी है यार अब हम चलते हैं आगे। अगली पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं फिर से एक स्माइलिंग टाइटन को जो कि इरन की मदर को खाया था, और ये भी सीज़न 1 का सीन है। अगली पिक्चर में फिर हम लोग देखते हैं यार फिर से कुछ टाइटन्स को, पर इस बार जो टाइटन्स है वो मर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इरन के बेसमेंट के लॉक को, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि ओशन में यार सैर को लेके खड़ा हुआ है। अब यार ये जो सीन है वो हमने अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 3 एपिसोड 1 में भी देखा था कि जो इरन है वो यार ओशन के सामने खड़ा है, पर हमने ओरिजिनल में ऐसा नहीं देखा था पार्ट 1 में। सो गाइस, ऐसा हो सकता है कि पार्ट 2 में हम लोग को देखने मिले कि जो इरन लोग हैं वो ओशन में पहुंच जाते हैं और ये जो बंदा है वो यार आर्मिन है। अब मैं ज़्यादा स्पॉइल करना नहीं चाहता यार, पर क्या करें, मन कर रहा है यार स्पॉइल करने का। अगली जो पिक्चर है वो हम लोग को देखने मिलती है कुछ लोगों की जो कि मर चुके हैं। अब ये शायद सीज़न 1 का सीन हो मेरे हिसाब से, सीज़न 1 के पहले एपिसोड का। अब यार जो अगला सीन है वो हम लोग को देखने मिलता है एक इंसान का जो कि इरन के बेसमेंट की चाबी को पकड़ा हुआ है। अब यार ये इरन का फादर हो सकता है मेरे हिसाब से। और फिर अगले पिक्चर की तरफ हम लोग चलते हैं। सो गाइस, अगली जो पिक्चर है वो हम लोग को देखने मिलती है एक सरेंडर जैसी कोई चीज़ की। अब यार ये चीज़ मेरे को नहीं पता क्या है, हो सकता है कि यार ये वही चीज़ हो जिससे जो इंसान है वो उड़ते हों, यार उसका नाम याद नहीं है यार मेरे को।
खैर जो भी है यार, अब हम आगे चलते हैं। अगली पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं एक बंदे को जो कि इंजेक्शन जो है उसको रोट कर रहा है यार, इंजेक्शन में दवा भर रहा है। तो यार ये जो है वो हो सकता है मेरे हिसाब से ईरन के फादर वाला सीन, क्योंकि यार ईरन को जब वो इंजेक्शन लगाता है तो यार ऐसी कुछ बैकग्राउंड रहता है, और मेरे हिसाब से ये वही वाला सीन हो, या फिर हो सकता है ये लिवाय का इंजेक्शन हो, क्योंकि यार हम सब जानते हैं कि अब लिवाय के पास भी इंजेक्शन है टाइटन वाला। तो ऐसा हो सकता है कि ये लिवाय वाला इंजेक्शन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये ईरन के फादर वाला हो। सो गाइस अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक मक्खी टाइटन को। अब यार ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ थी, और इसको हमने सीजन 2 के ओपनिंग में भी देखा था यार कि एक मक्खी वाला टाइटन रहता है, पर ओरिजिनल में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था सीज़न 2 में। पर अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ एक मक्खी टाइटन को। अब यार क्या सीज़न 3 पार्ट 2 में ये आने वाला है वो तो यार समय बताएगा, पर जो भी है यार काफ़ी अजीब लगा इसको देख के, एक मक्खी टाइटन यार सोच के देखो कैसा लगेगा। अगली पिक्चर में यार फिर हम लोग देखते हैं कुछ टाइटन्स को जो कि जंगल में है, और साथ ही साथ कुछ हिरन भी हैं, कुछ जानवर भी हैं। इससे यार ये भी पता चलता है कि अटैक ऑन टाइटन में जो एनिमल्स हैं वो भी एक्सिस्ट करते हैं। अगली पिक्चर में यार फिर हम लोग देखते हैं ईरन के टाइटन फॉर्म वाले क्रिस्टर में जमी बॉडी को, और ये बिल्कुल सीजन 3 वाला ही सीन है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। सो गाइस अब हम चलते हैं अगली पिक्चर की तरफ। तो यार अगली पिक्चर में हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। हम लोग कुछ देखते हैं केमिकल्स को जो कि बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अब यार ये चीज़ क्या है वो तो मेरे को नहीं पता, पर यार ये शायद मक्खी टाइटन का हो, अब मेरे को नहीं पता यार, उसको फ्लाई टाइटन भी बोलते हैं। हाँ मेरे को पता है, पर मक्खी टाइटन काफ़ी कूल लगता है बोलने में। खैर जो भी है यार अब हम चलते हैं आगे। अगली पिक्चर में हम लोग देखते हैं यार ईरन के फादर को जो कि ईरन को जंगल में ले जा रहे हैं, और ये भी सीज़न 3 का ही सीन है। अगली पिक्चर में फिर हम लोग देखते हैं फिर से स्माइलिंग टाइटन को। अब यार ये टाइटन क्यों बार बार दिखाया जा रहा है यार, इतना मर चुका है भाई ये पहले ही। अगली पिक्चर फिर हम लोग देखते हैं यार बीस्ट टाइटन की। अब बीस्ट टाइटन फिर से यार रिटर्न करने वाला है, मैं आप लोग को बता देता हूँ सीज़न 3 के पार्ट 2 में, और बहुत ज़्यादा मेजर रोल में ये आने वाला है। सो यार जो लोग को बीस्ट टाइटन पसंद था तुम लोग यार खुश हो जाओ, क्योंकि सीज़न 3 में पार्ट 2 में हम लोग को फिर से बीस्ट टाइटन देखने मिलने वाला है विथ बहुत ज़्यादा मेजर रोल के साथ। और यार उसके बाद हम लोग देखते हैं एरविन के फादर को जो कि वहाँ पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बुक को जिसमें लिखा हुआ है ओशन के बारे में, डेजर्ट के बारे में, और वही सब जो दीवार के बाहर की जो दुनिया है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यार ईरन के मदर को, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ कैनन्स को जो कि टाइटन को मार रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक फ्लावर को जो कि खीर रहा है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ डेड बॉडीज़ को जो कि मर चुके हैं। और यार उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लोजर टाइटन के आने वाले सीन की पिक्चर को, जब जो वेदर है वो यार बीच से फट जाता है, और यही वाला वो सीन है, और ये एपिसोड 1 से लिया गया है। और यार फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से एक अजीब सी चीज़ को, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो इंसान है वो इंसान को ही खा रहा है। अब यार ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग है और काफ़ी स्कैरी भी है यार, और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हम, आगे चलते हैं। अगली पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं बीस्ट टाइटन का ह्यूमन फॉर्म को जो कि अपने हाथ के साथ है। अब यार मैं 100% कंफर्म तो नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से ये बीस्ट टाइटन का हाथ ही है। सो गाइस ये जो पिक्चर्स थी वो अब यहीं एंड हो गई है। अब हम लोग आगे के सीन्स के बारे में बात करते हैं, और ये जो सीन है वो यार लिया गया है। सो गाइस ये जो पिक्चर वाला सीन था वो अब वो यहीं एंड हो गया है। अब हम आगे के सीन के बारे में बात करते हैं। अगला जो सीन है वो यार काफ़ी ज़्यादा स्कैरी सीन था और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी था, और यार इसी कारण मैंने जो है वो अटैक ऑन टाइटन की मैंगा पढ़ी थी। सो गाइस इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि जो ईरन और जो मिकासा है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, और जो लिवाय है उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। अब यार ये सीन आखिर हुआ क्या है, देखो यार ये जो सीन है वो लिया गया है अटैक ऑन टाइटन के मैंगा चैप्टर 84 से, द मिडनाइट सन से। अब यार इसमें हुआ क्या था मैं आप लोग को बताता हूँ।
तो देखो यार, जब सर्वे क्रॉप्स जो है वो वार मारिया के पास पहुंचती है, तो तभी जो आर्मरेड टाइटन, बीस्ट टाइटन और जो कलोसर टाइटन है वो एक साथ आ जाते हैं। अब यार कलोसर टाइटन बाद में आता है, पर आर्मरेड टाइटन और बीस्ट टाइटन जो है वो एक साथ आ जाते हैं। अब यार मैं ज़्यादा स्पॉयल नहीं करना चाहता, पर यार बिना स्पॉयल करे मैं बोल भी नहीं पाऊँगा कुछ चीज़। तो देखो यार, जो आर्मोरेड टाइटन था उसको तो ईरन ख़त्म कर देता है। अब जो बचता है वो है कलोसर टाइटन। अब यार जो कलोसर टाइटन है उससे लड़ने के लिए यार बचते हैं दो लोग, ईरन और आर्मिन। अब यार दोनों जो हैं वो दोनों कैरेक्टर जो हैं, ईरन और आर्मिन, वो दोनों लड़ते हैं यार कलोसर टाइटन से। अब जो ईरन है वो तो यार बच जाता है, पर जो आर्मिन है उसके ऊपर जो कलोसर टाइटन है वो बहुत ज़ोर से चीख कर देता है, मतलब चीख देता है यार उसके ऊपर, जिसके कारण जो है वो जो आर्मिन है वो बहुत गंदे तरीके से पूरा जल जाता है। अब वो यार जिंदा रहता है, पर उसकी जो बॉडी है वो बहुत गंदे तरीके से बर्न हो जाती है और वो कुछ देर में फिर मरने वाला रहता है। अब यार आप बोलोगे कि बीस्ट टाइटन का क्या हुआ, तो भाई मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यार बीस्ट टाइटन को अकेरा अपना जो लिवाय है वो ख़त्म कर देता है। अब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, पर यार ये सच है कि बीस्ट टाइटन को भाई लिवाय अकेला ख़त्म करता है, और यार वो सीन एनिमे में बहुत अच्छा देखने मिलने वाला है। खैर जो भी है, अब हम आगे के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, जो एरविन है वो भी यार रास्ते में मर जाता है, तो मतलब मरता नहीं है, मतलब अधमरा हो जाता है यार, उसमें थोड़ी सी जान बच जाती है। अब देखो यार, लिवाय के पास रहता है दो ऑप्शन, या तो वो बचाए एरविन को या तो बचाए वो आर्मिन को। अब यार जो ईरन और जो मिकासा है वो यार ये बोलते हैं कि तुम आर्मिन को प्लीज़ बचाओ, पर जो लिवाय है वो ये बोलता है कि नहीं, मैं एरविन को बचाऊँगा। इसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि यार जो मिकासा और जो ईरन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, और वो आर्मिन को लेके ही इमोशनल है, और जो ईरन है वो यार लिवाय को बोल रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और फिर जो लिवाय है वो यार ईरन और मिकासा को बोलता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो। और यार ये बात सच भी है, क्योंकि यार आर्मिन ने कुछ उतना ज़्यादा करा नहीं है टाइटन्स के लिए, और यार टाइटन्स को उसने उतना ज़्यादा कुछ मारा भी नहीं है। तो यार इसी कारण जो लिवाय है वो ये डिसाइड करता है कि वो बचाएगा एरविन को। पर यार फिर क्या होता है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, पर बस यार यहीं तक था ये पॉइंट। और यार अगर आपको आगे का जानना है कि क्या हुआ, तो आप पढ़ सकते हो यार अटैक ऑन टाइटन की मैंगा को। बस यार ये जो सीन है वो यहीं तक था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आपको सब चीज़ समझ आ गया होगा कि आखिर क्या हुआ था। खैर जो भी है यार, चलो टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट वीडियो।